पिछले 70 सालों में हमारे देश में हर किस्म की बाधाएं, अड़चने और संकट आए, पर बावजूद इसके हमारा देश साल दर साल मजबूती, परिपक्वता और एकता की नई नई इबारत गढ़ता चला गया। क्योंकि चुनौतियां किसी भी प्रकार की हों, भारत का संविधान भारत के अंतिम व्यक्ति तक शक्ति प्रदान करता है, पूरे मुल्क को बांध कर रखता है, ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, असामाजिक तत्व हावी ना हो सके और किसी भी इंसान के हाथों में कानून ना जा सके। इन सब के लिए हमारे संविधान ने बाकायदा लोकतंत्र के स्तंभ के तौर पर कार्यपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और विधायिका का बंदोबस्त किया है, जो संविधान को ध्यान में रखते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लगातार मजबूत करने में जुटा रहता है। 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों के साथ ही अस्थाई और संक्रमणकारी उपबंधों को इसी दिन लागू किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह पूरे तरीके से लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं संविधान की विशेषता, इसमें निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे संविधान की आधारभूत संरचना और उसके बनने की पूरी कहानी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के संविधान को स्वीकार किए जाने के 70 साल पूरे हो गए हैं। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान अपनाने के 70 साल पूरे होने के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दोनों सदनों के सांसद और विशेष आमंत्रित हस्तियां मौजूद रहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्गम भी है और आदर्श भी। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है, जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया, जिसमें हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ साथ हम सभी भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है, जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है। संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में भारतीय लोकतांत्रिक अनुभव वास्तव में काफी सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का पालन भी संविधान में निहित आदर्शों और मर्यादाओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। संविधान में निहित आदर्शों और मर्यादाओं की पूर्ति के लिए जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का आस्थापूर्वक पालन करे और अपने निजी, सामुदायिक और व्यवस्थित जीवन में नागरिक कर्तव्यों का आत्मसात करे। संविधान दिवस के पावन अवसर पर, ये पावन अवसर है, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और अपने संविधान निर्माताओं की आशाओं और अपेक्षाओं का और श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और उन्हें पूरा करने का संकल्प ले। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया के दो मंत्रों को संविधान ने साकार किया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन पर भी जोर दिया। समय की मांग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों,
अपने दायित्व पर मंथन करना ही होगा, क्योंकि दायित्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अटूट रिश्ता है और इस रिश्ते को महात्मा गांधी जी ने बहुत ही विशेष रूप से बखूबी समझाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बदलती दुनिया में हमारा संविधान हमारा संबल है। संविधान ने देश की विकास यात्रा में विशिष्ट भूमिका निभाई है। समय आ गया है कि हम सभी सांसद देश के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जहां अधिकारियों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का स्मरण भी करें और दूसरों को भी कराएं। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की चेतना व आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिंब है। सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के मौके पर 250 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इस मौके पर भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। 5 रुपए मूल्य के इस डाक टिकट की खासियत इसका गोलाकार है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब गोल आकार का डाक टिकट जारी हुआ। इससे पहले 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर गोल आकार के डाक टिकट जारी किए गए थे। इसके साथ ही राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के अवसर पर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा के महत्व इस विषय पर स्मारक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस स्मारक पुस्तक में मंत्रियों, सांसदों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लेख शामिल किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति ने इस स्मारिका की प्रस्तावना लिखी है। स्मारिका के महत्वपूर्ण लेख राज्यसभा की कार्यवाही के संदर्भ में सदस्यों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुभव और उनके नजरिए को दर्शाते हैं। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को और बढ़ाने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के तौर पर मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित मौलिक कर्तव्य अन्य चीजों के साथ साथ नागरिकों को संविधान का पालन करने, आदर्श विचार को बढ़ावा देने और उनका अनुसरण करने का आदेश देता है, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी। एक आम नागरिक को सजग और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर बनाने में मौलिक कर्तव्य का बेहद अहम योगदान है। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था, लेकिन समय के साथ नागरिकों के देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए साल 1976 में सरकार द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसे साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए बढ़ाकर 11 कर दिया गया। हमारा संविधान जब ओरिजिनली बनाया गया था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं किया गया था। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन किए गए थे और इसमें 42वां संशोधन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था कि बहुत सारी उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी और उसमें से एक अमेंडमेंट थी एक सेपरेट चैप्टर, चैप्टर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के संविधान में डाला गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 का में शामिल मौलिक कर्तव्य के मुताबिक भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। इसके साथ ही देश की रक्षा करे और राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे। इसके अलावा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। इन सब के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और माता पिता या संरक्षक 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बिना ये कर्तव्य बोध के मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं उससे बिना उसके राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अगर राष्ट्र ध्वज का आप सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे और आप कहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे, इनसे महत्वपूर्ण तो कोई सवाल ही नहीं है। तो राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब अपनी आपकी जो परंपराएं हैं उनको बचा के रखेंगे आप। मौलिक कर्तव्य का महत्व काफी व्यापक है और कई मायने में विशेष भी है। मौलिक कर्तव्यों में जहां प्राकृतिक पर्यावरण की बात कही गई है, वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पर्यावरण की बात कही गई है। मौलिक कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, जबकि नीति निदेशक तत्वों में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। मौलिक कर्तव्यों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। लेकिन जहां तक हमारे कर्तव्यों का सवाल है, ये एक ऑनरस ड्यूटी कोर्ट ने संविधान में अमेंडमेंट करके डाली गई है। इसके नॉन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई एनफोर्सेबिलिटी का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान ना होने के बावजूद भी जो कोर्ट को ओवरऑल सुपरविजन की पावर दी गई है, अगर कोई इस तरह का वाक्य कोर्ट के नोटिस में आता है तो कोर्ट उसका संज्ञान ले सकती है। दरअसल मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का मकसद नागरिकों को उनके कर्तव्य विमुखता से बचाना है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं और उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही ये नागरिकों में त्याग, सेवा, बलिदान और समानता की भावना के विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास में भी सहायता करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान की खासियत की वजह से ही आगे चलकर देश में केंद्र और राज्य के साथ स्थानीय स्वशासन का रास्ता साफ हुआ। आखिर हमारा संविधान दुनिया में अनोखा क्यों है और इसकी क्या खास विशेषता है, ये जानना बहुत जरूरी है। करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके बाद में इसे तैयार किया गया। इसमें कई देशों के संविधान में समाहित तत्वों को लिया गया है। इसके बावजूद इसकी अपनी अलग खासियत है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय संविधान उसमें निहित तत्वों और मूल भावनाओं की वजह से दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। मूल संविधान को स्वीकार करने के बाद भी इसमें वक्त के साथ अहम परिवर्तन किए जाते रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में विभक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 1951 के बाद से हुए तमाम संशोधनों के बाद मूल संविधान से करीब 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया और करीब 90 अनुच्छेद 4A, 9A, 9B और 14A यानी 4 भागों को जोड़ा गया, जबकि 4 अनुसूचियां यानी 9, 10, 11 और 12 को भी जोड़ा गया। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। देखिए, हमारे संविधान, मैं समझता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं कहूंगा, अगर इसको मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो इसकी प्रीएम्बल है, क्योंकि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का पूरा एक ढांचा जो हमारा है उसका सार है। लेकिन केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की एक बेंच ने इसकी व्याख्या करते हुए, संविधान की व्याख्या करते हुए ये कहा था कि हमारे सरकार, हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसको कभी भी जो है सरकार खत्म नहीं कर सकती है।
भारत के संविधान की एक और विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी खासियत यह है कि यह न तो लचीला है और न ही सख्त। भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था संघात्मक भी है और एकात्मक भी। संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी प्रावधान निहित हैं। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का संसदीय रूप दुनिया में अनोखा है। देश में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली उपलब्ध कराता है। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा भी करता है। इसके अलावा संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दुनिया में अनोखे हैं। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है तो उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने को भी कहता है। बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, वो चार है। एक तो देखिए हमारी हो गई न्यायपालिका, जो कि ख्याल रखती है कि आपके अधिकारों का हनन ना हो। और दूसरा मैं आपका आपको बताता हूँ कि ये हमारा जो पार्लियामेंट है जो देश चलाता है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हमारे सर्वोच्च माने जाते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि हमारी जो व्यवस्था है सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। और चौथा है एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में बताता है। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान देश के आम नागरिकों के साथ साथ पिछड़े तबकों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। हमारा संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार हासिल है, जो भारतीय संविधान की खास विशेषता है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का अलग अलग बंटवारा है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक तंत्र के अहम स्तंभों की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मूल रूप से दो स्तरीय यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान है। ये हमारे संविधान की अहमियत और बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 200 साल की गुलामी के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर दुनिया के सामने कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक संविधान की जरूरत महसूस हुई, लेकिन यह संविधान कैसा हो और कौन इसे बनाएगा, इस पर लंबा मंथन चला। आइए देखते हैं संविधान बनने की पूरी कहानी। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के संघर्ष में 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज का माहौल बन चुका था। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम विशेष में ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।
नेहरू की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफी दबाव था। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड ग्रिप्स अपने साथियों के साथ भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए। ग्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटने की मांग कर रहा था। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड ग्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया और कुछ अहम सुझाव दिए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और उसका गठन जो था ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया गया, जो वेरियस प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे और अपने अपने क्षेत्र में वो एक एक्सपर्ट थे इस सब्जेक्ट के। कैबिनेट मिशन ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि मुस्लिम लीग को उनकी मांगों के दायरे में ही एक संविधान सभा के गठन पर राजी कर लिया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों के लिए अलग से 93 सीटें आवंटित थीं, लेकिन उन्होंने खुद को सभा से बाहर रखने का फैसला किया, इसलिए वो सीटें भर नहीं पाईं। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के सामने पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों और इसमें शामिल होने की इच्छा रखने वाले क्षेत्रों को संघ के दायरे में लाया गया। संप्रभु भारत के सभी अधिकार और शक्तियों का स्रोत जनता को बनाया गया। सभी के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसी कई बातें घोषित की गईं। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बी एन राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। इस दौरान संविधान सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया
यही नहीं, संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। सबसे पहले तो आपको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई, यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट को सबसे पहले वहीं डिफाइन किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे क्रिप्स कमीशन आया, उसके बाद कैबिनेट कमीशन आया, फिर 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों को पे चर्चा करी, और उसके बाद ये संविधान दिया गया आपको। और इस संविधान के रचयिता इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने इसको लचीला बनाया, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी अपने अनुसार इसमें फेरबदल कर सके। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की 11 प्रमुख बैठकें और कई उप समितियों की बैठकें हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों पर चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। ऐसी 3 बैठकें हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।